मैं कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम्हारी एक आवाज पे दौड़ी चली आऊंगी। मुझे नहीं पता मुझे बाहर जाना है। बाहर कहाँ जाना है? मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? देखो नाजिया, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। पहले तुमने पूरे घर वालों का सुकून बर्बाद कर दिया है। तुम मुझे डांट नहीं हो। अच्छा इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बैठो बैठो। मेरा हस्बैंड क्या है उसे कहो वो मुझे घुमाने लेके जाए। हाँ ताकि बाहर जाके भी तुम यही सब तमाशे लगाओ, है ना? बैठो। तुम मुझे मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हें कब मारा है? झूठी। मैंने ये झूठी? तुम झूठी झूठी झूठी। अच्छा नासिया, तुम्हारे लिए मैं पानी लाऊं? मुझे नहीं पीना पानी वानी, मुझे आइसक्रीम खानी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी भाई से कह के मंगवाती हूँ, ठीक है? मेरा हस्बैंड का, उसे कहो वो मुझे आइसक्रीम खिला के ले। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, तुम पहले। मुझे बस ना आइसक्रीम खानी है, उसे बुला लीजिए। ना अभी मैं कह रही हूँ, अभी मैं कह रही हूँ, ठीक है ना? अभी आ जाएगी। अच्छा बस मुझे उसे बुलाओ। अच्छा ठीक है, तुम आराम से देखो, अभी मैं अभी मंगवा रही हूँ, अभी मंगवा रही हूँ। अच्छा अच्छा बस बस ठीक कह रहे सर जी आप। भैया मेरा जिगर मेरा शनादा, बैठ जा बैठ। और क्या टेंशन हो गई है मेरी जान को? सफदर साहब ने मेरे तो होश उड़ा दिए। और क्या कह दिया है मेरे भाई को? और सर जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना बताया था कि हमारा चैनल कितनी मुश्किलात का शिकार है। जाने दे नकाश साहब, अभी चंद दिन पहले तो आपने एक नई टेक्सटाइल मिल खरीदी। और टेक्सटाइल मिल के हाल का नहीं पता, इसका हाल तो ये है कि मिल कपड़े बनाने की बजाय हमारे कपड़े उतरवा रही है। फार्म हाउसेस, डेयरी फार्म, शुगर मिल्स, इतने सारे तो बिजनेस हैं आपके। मेरे भाई का सिर्फ चैनल के ऊपर बिजनेस नहीं चल रहा। भाई बड़ा ही खोचला मेरा प्रा। अरे तुझे तो पता है ये सारे काम जो हैं आपस में मिलजुल के चलते हैं, इनमें से एक भी काम टीला पड़ जाए तो सब हाँपना शुरू कर देते हैं। और यार तुझे तो पता है बिजनेस की गेम का। आया है सर। सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। तशरीफ रखिए। नहीं सर, बस अभी 5 मिनट तक मेरी क्लास है। ओहो कोई बात नहीं, 2 मिनट बैठे। सर मैं बाद में आ जाती हूँ। आप बैठो। अब इसी तरह अपना टाइम टेबल बनाइएगा, कोई मसला होगा तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। जी सर। ओए सफदर, ओए कोई मेरे यार के लिए कोई अपना ठंडा जूस का बंदो ऐसे करके वो अपना फास्ट फूड मंगवा। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे एक वादा लेने आया हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। वैसे सर जी बिलाल साहब की बात को मोड़ना नहीं आपने। ओए हमने पहले कौन सी बात मोड़ी है? हमने एक सेकंड नहीं लगाया खालदा का प्रोग्राम बंद करने में। जी वो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन अब खालदा के प्रोग्राम की बात ना करना। अब मैंने फैसला कर लिया उस प्रोग्राम को शुरू करने का। नकाश साहब खालदा हुसैन अब किसी चैनल के लिए नहीं खा सकेगी। और ना भाई ना, क्या बात कर रहे हैं? ना करें नकाश साहब। यार इस मामले में मेरी खालदा हुसैन से बात हो गई है। नहीं खालदा हुसैन अब गाना नहीं गा सकती, मैं उसकी आवाज बन गया तो। ओए काका, ओए ना ना, बड़े बोल नहीं बोलते जी। आराम से बैठ के बात करें। बिलाल भाई आप ही बैठे। निकाय साहब मैंने फॉरेन एनजीओस और मल्टीनेशनल कंपनीज को आपके चैनल का नाम दिया था। और नहीं चाहिए मुझे ये तेरे काम बार के। मैंने बहुत बड़ी गलती की है तेरी बात मान के। और तुझे कितने फोन किए हैं, वो बोलता क्यों नहीं हो सब? ठीक कह रहे सर, हमारा चैनल तो बैठ ही गया, उसका प्रोग्राम बंद कर। नकाश साहब खालदा हुसैन अब कभी गाना नहीं गाएगी, ये बिलाल राणा का आखिरी फैसला है। और बिलाल राणा जब कोई फैसला कर लेता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस पर अमल करने से उसे नहीं रोक सकती। और जा जो करना कर ले, खालदा हुसैन गाएगी मेरे चैनल के लिए, बल्कि हर चैनल के लिए। आप अच्छा नहीं कर रहे।
खालदा हुसैन की कंड पे मेरा हाथ है, नुकास चौधरी का हाथ। कोई मई का ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख लूंगा। जा। ओए सफदर। जी सर। और फोन मिला है खालदा हुसैन को, बल्कि रहने दे, मैं आप खुद ही जाऊंगा सुबह उसके पास। हद हो गई, काका सानू समझे ही नहीं आती तक। सबसे अच्छा इस्तकबाल है टेलीनॉर टॉक शॉक का, जहां अगर आपने 10 अप्रैल 2012 से सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी 2222 डायल करके पाएंगे 100 फ्री मिनट्स और 1000 एसएमएस। क्या बात करना चाह रहे थे आप? करता हूँ, मगर सोच रहा हूँ कि पता नहीं आप मेरी बात को किस तरह लेंगे। ऐसी क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताए ना। बताता हूँ, मुनासिब और मौजूद अल्फाज ढूंढ रहा हूँ। सर मुझे देर हो रही है, वैन वाला 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगा, और अगर चला गया तो फिर मुझे रिक्शे से घर जाना पड़ेगा। सारा जी, मैं आपको कैसा लगता हूँ? जी मेरा मतलब है कि हर शख्स के बारे में इंसान ने अपनी राय कायम की होती है, आपकी मेरे बारे में क्या राय है? अच्छी राय है सर, मेरे ख्याल से आप एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। चले ठीक है, आपने तस्लीम तो किया कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे तो यही लगता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लगता है यानी आपको यकीन नहीं है? नहीं नहीं सर, मुझे आप पर यकीन है। हम लोगों के साथ दरअसल पैदर पे ऐसे वाकयात हुए हैं कि लोगों पर से एतमाद ही उठ गया है। ये तो बहुत बुरी बात है, इंसानों का इंसानियत पर एतमाद ख़त्म नहीं होना चाहिए, इस तरह तो आप बहुत अकेली रह जाएंगी। जी जी, लेकिन अब लोगों ने भी तो अपने चेहरों पर तरह तरह के मास्क लगाए हुए हैं, क्या आप किसी के बारे में भी कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते? मेरे ख्याल से मस्बत सोचना चाहिए, अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने मनफी तर्ज़ फ़िक्र को रिवाज दिया है सोसाइटी में। जी शायद। सर अब मैं चलूं? सर मैडम ने सीमा और सितारा में झगड़ा हो गया। किस बात पर? पता नहीं सर। सर आप आओ देखते क्या होता है। वैसे रजी आपने बड़ा जबरदस्त दबका लगाया बुला। और क्या, ये कोई मजाक है? पहले लाली दे के प्रोग्राम बंद कराया, फिर गायब हो गया, छोरी के पीछे ही पड़ गया। वो बुला कर्मा को। वो आ जाएगा सर जी, आ जाएगा, क्यों फिक्र करते हैं आप, एक मिनट आ जाएगा। सर जी ये एक तो लड़के ना हर वक्त लड़कियों के साथ ना फोन पर लगे रहते हैं। सर जी नंबर चला गया, खुद ही रिंग बैक कर ले। ओए तूने कार्ड लोड करा के खालदा से बात नहीं करवाई थी अकरम की? मैं पागल हूँ कि पूरा कार्ड लोड करा दूँ उसको 100 का 30 का इजी लोड करवा दिया था, उसने बात कर ली होगी। अच्छा खालदा ने फोन नहीं उठाया होगा? सर जी उसने उठाया था, वो कह रही थी मैं फिर बात करूंगी। ओए हम ऐसे ही लगे रहेंगे, कोई तीसरा चैनल कर लेगा उससे कॉन्ट्रैक्ट? सर जी अकरम फिर बात कर लेगा खालदा से। ओए अकरम को 100 का ही कार्ड लोड करा देना था, तुझे भी गलत टाइम पे बचतें याद आ जाती हैं। अब तू अकरम से पूछेगा भी फोन किया था खालदा को, वो कहेगा जी मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं था। अब बहुत कमीने लोग हैं ये, मेरी जान के अजाब। आप फिक्र न करें। और यार ऐसे कर, ये तो फोन मिला खालदा को मेरे फोन से।